दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 20x50 हाउस प्लान की, और ये मॉडल देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। अगर हम इसकी पूरी बात करें तो 20x50 का हाउस डिजाइन है विद कार पार्किंग, और आपको एक बेहतरीन से लुक मिलता है। और मैंने इसके पहले भी एक 20x50 का मॉडल बनाया था, लेकिन काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट ये रहती है कि जो स्टेयर्स होती है, लेटरिन बाथरूम होता है, वो बाहर रखा जाए, क्योंकि आप सभी को पता है अगर आप एक फैमिली रखना चाहते हैं अपने घर में, तो अगर स्टेयर्स या लेटरिन बाथरूम अंदर होता तो काफ़ी प्रॉब्लम्स मिलती है। अगर आपके घर में कोई भी रिलेटिव आता है, आपका फ्रेंड आता है, आपके रिश्तेदार आते हैं, तो इन सभी के लिए काफ़ी बेहतर वो घर माने जाते हैं जिसमें स्टेयर्स और लेटरिन बाथरूम बाहर हो, क्योंकि अगर कोई भी अजनबी आता है तो वो उसको अंदर तक कुछ भी नहीं देख सकता, और आसानी से वो बाहर ही अपना सब कुछ यूज करके पूरी डिटेल मतलब पूरा अपना काम कर सकता है। तो उसी को देखते हुए मैंने ये 20x50 का हाउस प्लान बनाया है फिर से विद कार पार्किंग, तो उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने जुड़े हम लगातार, मैं उपम झागड़ और आप देख रहे हैं दोस्तों अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो हमेशा की तरीके से हम इस प्लान को डिस्कस करेंगे। इस पर मैंने मात्र ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर ही डिजाइन किया है। अगर आपके और ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप फर्दर इसको आगे ऊपर बनवा सकते हैं। तो हमेशा की तरीके से हम इसे मॉडल को कर देते हैं ट्रांसपेरेंट, और जैसे इस मॉडल को आप ट्रांसपेरेंट करते हैं तो ये देखिएगा मॉडल आपको ऊपर से नीचे तक बेहतरीन से दिख जाता है। और यहाँ पर फ्रंट की अगर हम बात करें डिजाइनिंग की, तो वो भी बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर रेलिंग भी है, स्टेयर्स भी हैं, सारा डिटेल आपको मिल जाता है। इसके बाद जैसे मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी रिमूव करके इसको लाता हूँ ओरिजिनल पोजीशन पर, तो ये मकान आपको देखने को मिलता है। अगर हम फ्रंट की बात करें तो ये आपको दिखेगा लुक, ये देखिएगा। चलो मैं इसके ग्राउंड फ्लोर पर आपको ले चलता हूँ तो आपको और आसानी होगी देखने में। तो ये देखिएगा इसका फ्रंट लुक है, सामने से जो देखेंगे आप मकान को ऐसे देख पाएंगे। सबसे पहले आपका कार को ऊपर ले जाने के लिए रेप बनाया है, स्लोप टाइप का मैंने डिजाइन, जिससे आप ऊपर ले जाएंगे, और साइड में मैंने सीढ़ियाँ बनवा दी, ये आप पे डिपेंड करता है बनवाते हैं नहीं बनवाते हैं। और ये डिजाइनिंग का पार्ट है दोस्तों, ये देखिएगा डिजाइनिंग मैंने बनाई है 3 पिलर्स यहाँ पर देकर। और जैसे आप एंट्री करते हैं तो ये सबसे पहले ही आपको मिल जाता है ये लगभग स्पेस, और ये मिल जाती है स्टेयर्स, स्टेयर्स के नीचे कंबाइंड लेटरिन और बाथरूम। मैंने स्पेस ये इसलिए दिया है क्योंकि अगर आपके पास बाइक है और कुछ तो आसानी से आप यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। आपका जीना भी यहीं से बाहर से ही है, आपका लेटरिन बाथरूम भी बाहर है। अब ये तो हो गया, इसके बाद आप जब एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको मिल जाता है गेस्ट रूम, ये देखिएगा आपका गेस्ट रूम मिल जाता है। यहाँ से आपका डोर है, ये विंडो दिया है मैंने, और ये गेस्ट रूम के बाद आपको यहाँ पर स्पेस मिल जाता है और आप आ जाते हैं पीछे। तो पीछे आपको देखिए 2 बेडरूम मिल जाते हैं, ये देखिएगा दोनों बेडरूम हैं, और ये आपका विंडो और इसके लिए मैंने डोर दिया है। और आपका किचन की बात करें तो ये जो स्पेस बचता है यहाँ पर मैंने किचन डिजाइन किया है, ये दोस्तों ओपन किचन है, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर जाली लगवा कर बंद करवा सकते, लेकिन अगर आप जाली लगवाएंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि जब आपको इस वाले रूम में एंट्री करना होगा तो आप एंट्री करने में आपको मिलेगी दिक्कत, इसलिए आप किचन जो भी बनवाएं ओपन किचन बनवाएं तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं मिलने वाली होती है। आपके यहाँ पर किचन भी एडजस्ट हो जाएगा, 2 रूम पीछे बेडरूम मिल जाते हैं, एक बेडरूम मतलब गेस्ट रूम मिल जाता है, लेटरिन बाथरूम, और आपकी स्टेयर्स भी मिल जाती हैं। और काफ़ी लोगों का ये भी सवाल होता है कि मान लो कोई मकान बनवाना चाहता है, अगर फ्रंट में दुकान करना चाहे वो, तो इसीलिए मैंने ये जगह छोड़ी है। यहाँ पर आप छोटी सी दुकान भी अपनी क्रिएट करवा सकते हैं अगर आप घर पर रहकर कुछ काम करना चाहते हैं, नहीं तो आपका ये बेहतरीन सा लुक लगता है। तो ये पूरा डिज़ाइन था। अब हम इसका अगर बात करें पूरे, दोस्तों मैं और बता दूं, अगर आप इनका पूरा डिटेल जानना चाहते हैं, आप इनका साइज़ जानना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट स्मॉल हाउस प्लान पर ज़रूर विजिट करें, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। जैसे आप दोस्तों smallhouseplan.com पर आएंगे वेबसाइट पर, तो आपको यहाँ पर देखिए smallhouseplan.com आप जैसे सर्च करते हैं तो आपको हमारी वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर आपको मल्टीपल से घर के नक्शे, तो ये देखिए मेरी वेबसाइट दोस्तों, यहाँ पर आप किसी भी मॉडल को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ये आज का जो मॉडल है ये देखिएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इसको बहुत ही आसानी से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 2D images, 3D images विथ साइज मिल जाती हैं, इन सभी रूम का मैंने साइज बता रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पर इसका। लेकिन मैं दोस्तों 99 रुपीज़ चार्ज रखता हूँ, मात्र 99 रुपीज़। आप जैसे बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपसे नाम पता और मोबाइल नंबर मांगेगा, और आपका जो ज़िप फाइल है
ये जो इसकी जो भी इमेजेस हैं 2D और 3D वो आपके प्रोफाइल में, जैसे आप पेमेंट करते हैं आपके प्रोफाइल में सेव हो जाती है एज अ जिप फाइल, उसे एक्सट्रैक्ट करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इसका 99 रुपीज़ आपको चार्ज देना पड़ेगा दोस्तों। और लेकिन यहाँ पर जो मैं डिस्कस करता हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कस करता हूँ, आप देख सकते हैं। अब तो ये तो हो गई ग्राउंड फ्लोर की बात और आपके टोटल डिटेल। अगर हम बात करें लास्ट फ्लोर की, तो लास्ट फ्लोर देखिएगा, यहाँ पर मैंने सर पीछे जो दो रूम है उनको बनाया है, ये ढक दिया है मैंने, जो आपका स्टेयर्स है उसको बंद कर दिया और आपका पूरा ओपन है। ये बस रेलिंग मैंने डिजाइनदार बनवा दी, आप डिपेंड करता है कैसी बनवाते हैं, और आप जैसे ऊपर आते हैं स्टेयर्स के माध्यम से तो आपको ये पूरा डिटेल मिल जाता है। अब मैंने यहाँ पर छत बना दी, अगर आप चाहें तो और भी यहाँ पर बनवा सकते हैं। तो ये मॉडल कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, अगर आपका कोई रिक्वायर्ड मॉडल हो तो वो भी बताएं, और साथ साथ इस वीडियो को जरूर लाइक करें, तथा इसको अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।